Assalamu alaikum. Uh, we are doing electromagnetic induction. हमने लास्ट टाइम फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट टाइम जो फ्लक्स का है उसको डेवलप किया था इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये एक मुश्किल चैप्टर है हमारी ओ लेवल फिजिक्स का दिस इज कंसिडर टू बी बीज हार्डेस्ट चैप्टर और काफी इसको काफी ट्रबल होती है इसको मैनेज करने में uh, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो जरा चैलेंजिंग है हमने पिछली क्लास में फ्लक्स लिंकेज पर लाकर छोड़ा था और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि जैसे आप अपना मोबाइल फोन कमरे में रख दें तो आसपास बहुत सारी फील्ड लाइंस होती हैं। अब उसमें से जितनी फील्ड लाइंस इस मोबाइल में से लिंक हो रही होती हैं, उसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज मैं आज का काम यहां से शुरू करूंगा दिस विल बी गोइंग टू माई फर्स्ट कॉन्सेप्ट टूडे देखो द कॉन्सेप्ट इज देयर Any effort that alters the magnetic flux linking a conductor induces an EMF in the conductor. Okay. Any effort that alters the that alters the magnetic field that alters the magnetic flux. Linking a conductor induces an EMF in the conductor. तो अब ये एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है और ये एक्सपेरिमेंट कई लोगों ने किया होगा कि कभी सिग्नल वीक आ रहा हो कभी सिग्नल वीक आ रहे हों तो क्या करते हैं जब सिग्नल वीक आ रहे होते हैं तो सिग्नल सिग्नल वीक आ रहे हों और उसमें क्या होता है कि सिग्नल वीक आ रहे हो तो हम अपने मोबाइल को इधर उधर हिलाते हैं जब मोबाइल इधर उधर हिलता है तो फ्लक्स कटेगा जब फ्लक्स कटेगा तो सिग्नल बेहतर हो जाते हैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिंक हो रहा है एनी एफर्ट दैट अल्टर्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग कंडक्टर एन ईएमएफ इन द कंडक्टर। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी So can you please explain this concept again? Haan, bilkul, bilkul. it's a difficult concept coming back to it. सब लोग इसको कॉपी करिएगा

जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का असल काम क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असल काम यह है कि वो करता क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के तरीके डिस्कस करता है यानी आपके घर में जनरेटर चल रहा हो तो आपका काम क्या है कि आप देखते हैं ना सॉरी जनरेटर का काम क्या है कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है कोई भी तरीका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये पहले समझ में आना चाहिए कि ये चैप्टर कर क्या ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है अब उसके बाद इस चैप्टर का ये जो कॉन्सेप्ट आया इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पहले ये समझो कि वेन अ कंडक्टर मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड द फ्लक्स लिंकेज चेंजेस अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ सके अब इस एनिमेशन को और से देखिएगा एक रेड कलर की शीट है एक रेड कलर की शीट है और ये फील्ड लाइंस को कट कर रही है आप नोट कर रहे हैं फील्ड लाइंस का कलर चेंज हो रहा है जो फील्ड लाइंस का कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है जब ये रेड लाइन सारी जब ये रेड लाइन ऊपर जाती है तो सारी लाइनें कट रही हैं ये लाइनें हमें नजर नहीं आती बट ये लाइनें एग्जिस्ट करती हैं एज अ फील्ड अब ये जो आपको देखो जो आपको ग्रीन लाइनें नजर आ रही हैं इसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स जो कट रहा है अच्छा जो येलो और ग्रीन मिलाकर दोनों तरह की लाइनें मिलाकर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं फ्लक्स अच्छा अब आपने जो लिखा है जो आपने कॉपी करा उसको आप इसको सामने रखकर देखें ठीक है आपने इसको अगर गौर से देखा अब देखो अगर आपने इसको गौर से देखा है तो आप ये बात नोट करिएगा अगर आपने इसको गौर से देखा है तो आप ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि फ्लक्स लिंकेज के बदलने का मतलब क्या है अब जरा देखिए अब पूरी की पूरी नौ लाइनें लिंक हो गई अब कम हो गई अब एक लाइन रह गई दोबारा ये शीट ऐसे आगे पीछे मूव करती है दोबारा पूरी नौ लाइनें लिंक हो गई जब ये शीट मूव कर रही है तो यह फ्लक्स को काट रही है जैसे आप एक वॉक थ्रू गेट से गुजरते हैं ना तो वहां नजर तो वैसे कुछ नहीं आता लेकिन जब आप गुजरते हैं तो वहां पर फील्ड होती है आप उस फील्ड को काटते हैं इसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज का चेंज फेडरडे एक साइंटिस्ट था और उसने कहा कि जब भी ये जो आपको दिख रहे ना जब भी एक कंडक्टर इस तरह फ्लक्स को काटेगा फ्लक्स में से गुजरेगा फ्लक्स बदलेगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी ये फेरेडे का एक कॉन्सेप्ट है तो फेरेडे ने कहा कि जब भी किसी कंडक्टर से जब भी किसी कंडक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स बदलता है उस कंडक्टर में ई एम एफ यानी कि वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है लेकिन है कंडक्टर होना चाहिए हर चीज में तो ई एम एफ इंड्यूस नहीं हो सकती ठीक है अब आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी करो डायरेक्शन इफ द डायरेक्शन इन विच फ्ल रिवर्स इंडियम चेंजेस ये मेरा आज का अगला कॉन्सेप्ट है यानी अगर आप वॉक थ्रू गेट से गुजर कर आगे जाते हैं और आप वापिस आए तो आपने क्या किया अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया अगर जिस डायरेक्शन में आप फ्लक्स को काट रहे हैं अगर वो डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो इंड्यूस ईएमएफ भी रिवर्स हो जाएगी अब ईएमएफ होता क्या है ईएमएफ का मतलब है देखो ईएमएफ का मतलब है वोल्टेज ईएमएफ का मतलब क्या है ईएमएफ का मतलब है वोल्टेज और वोल्टेज के रिवर्स होने का क्या मतलब है वोल्टेज के रिवर्स होने का मतलब ये है वोल्टेज के रिवर्स होने का मतलब ये है कि उसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी उसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी यानी प्लस माइनस स्वैप हो जाएंगे अब ये आज का अगला कॉन्सेप्ट कॉपी करें जी नहीं ऑब्वियसली नहीं, नहीं वो तो फिर उनको मतलब कलेक्ट करना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा हाँ हाँ डेफिनेट हाँ वो तो होना तो चाहिए लेकिन आप एक आप एक आप एक व्हाट्सएप करके सर से फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लो ना ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए लेकिन डेफिनेट बात है कि हाँ लेकिन फिफ्टीन मिनट्स के लिए हम उनको मूव और हाँ किसी को अगर बीच में वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो देख सकते हैं अदरवाइज अगर हमने उनको अगर हम, हम डिसअसेंबल कर दिया तो वापस असेंबल करने में तो आधा पौना घंटा लग जाएगा बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट तो आप उस हाँ उनसे पूछ लो क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे ठीक है ओके। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी इफ द डायरेक्शन इन विच फ्लक्स इज बीइंग चेंज्ड इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो चेंजेस इसका मतलब ये है कि अब आप ये कॉन्सेप्ट भी गौर से समझना पड़ेगा जब आप इसको नीचे लेकर जाएंगे और फिर ऊपर लेकर आएंगे वही एनिमेशन है बट ये एनिमेशन बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनाती है कि जब आप नीचे लेकर जाते हैं और ऊपर लेकर आते हैं तो इसको कहते हैं डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन चेंज का मतलब है कि आप इसको रिवर्स कर दें अब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया देखो अब उसके बाद अब ये समझो कि डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है ई एम एफ वैसे वैक्टर होता है करंट सॉरी ई एम एफ वैसे स्केलर होता है और जो करंट है ये भी स्केलर होता है वोल्टेज और करंट ये दोनों स्केलर हैं और इनका एक ई एम एफ का कॉन्सेप्ट है जब हम कहते हैं ना ई एम एफ इज रिवर्स तो उसका मतलब होता है कि आप माइनस प्लस को स्वैप कर दें ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी गा ईमएफ इज अ स्केलर क्वांटिटी लिखिएगा ई एम एफ इज अ स्केलर क्वांटिटी ई एम एफ इज अ स्केलर क्वांटिटी सो डायरेक्शन सॉरी सो चेंज इन डायरेक्शन So change in direction means change in polarity. So change in direction means. So change in direction means change in polarity. you <laughs> ठीक है अब इसमें आपने आज के अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाएं मैकेनिकल एनर्जी यानी मोशन अगर मैग्नेटिज्म मौजूद हो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पहली चीज क्या होती है पहली चीज होती है ईएमएफ पहली चीज होती है ईएमएफ और उससे फिर करंट बनता है तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी न्यूटन थर्ड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पे लगता है अब ये जो उसी के नीचे ऐड कर लीजिएगा अब ये लॉ यहाँ पर क्या कर रहा है ये एक और टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी जाया नहीं हो सकती कन्वर्ट हो सकती है अब जहरा आप क्या दिखा रहे हैं आप ये कह रहे हैं ना कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हो सकता है लेकिन एनर्जी खत्म हो जाए वेस्ट हो जाए ये नहीं हो सकता तो एनर्जी कभी भी Uh, कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि वो एक फॉर्म से बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है okay. सम एग्जाम्पल्स ऑफ ई एम इंडक्शन अब ये वाली हेडिंग डाल दें सम एग्जाम्पल्स ऑफ ई एम एंडक्शन अब ये जो एग्जाम्पल हम शुरू कर रहे हैं ये जरा मुश्किल टॉपिक है और आप पहले इस बात को याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ये आपको ये डिस्कस करके देगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करते हैं मतलब सर्किट तो है लेकिन सर्किट में पावर सोर्स नहीं लगी हुई क्यों पावर सोर्स क्यों नहीं लगी हुई क्योंकि इस सर्किट ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो पावर सोर्स तो नहीं होगी अगर आपको कोई बंदा दिखे जो जनरेटर को प्लग में लगा रहा हो आप उसको कहेंगे कि भाई ये क्यों कह रहे हो जनरेटर तो पावर बनाता है मोटर को पावर में लगाएंगे आप जनरेटर से तो पावर लेंगे पहली एग्जाम्पल ये कम से कम पांच से छह मरतबा पेपर में आ चुकी है मैंने इसकी रफ सी डायग्राम बनाई है आप ये डायग्राम कॉपी करिएगा ये वाली डायग्राम बनाइएगा ठीक है अब आपने ये जो डायग्राम देखी है अब मेरे पास एक तार है और देखो ये जो तार तुम्हें नजर आ रही है ये तार देखो ये जो तुम्हें तार नजर आ रही है ये तार मैं ऊपर उठाऊंगा नीचे लेकर जाऊंगा ये तार मैं ऊपर लेके जाता हूं नीचे लेके आता हूं तो अगर आप इस तार को ऊपर नीचे मूव करेंगे अगर आप इस तार को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो फ्लक्स कटेगा। एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर है और फेरेडे ने यह एक्सपेरिमेंट किया था और उसको पता चला कि जब वो तार को मूव करता है तो फील्ड लाइंस कटती हैं, उससे फ्लक्स बदलता है उससे फिर ईएमएफ e आएगी और अगर सर्किट कंप्लीट हो तो करंट आ जाएगा ये कैसे पता चलेगा कि करंट आएगा क्योंकि हमने यहां पर एक मिली एम मीटर लगाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो कंडक्टर जो है उसमें क्या होगा अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो कंडक्टर फील्ड लाइंस को काटेगा जब कंडक्टर फील्ड लाइंस को काटेगा तो उसमें फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी आपने ये डायग्राम कॉपी की अब उसके साथ ये कॉन्सेप्ट मैप कॉपी होगा ठीक है अब आप इसको देखिएगा कि मैंने यहां पर क्या किया मैंने यहां पर आ, मैंने पहले किया तार को मूव किया तार मूव किया तो फ्लक्स कटेगा जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और उससे फिर करंट जनरेट होगा अच्छा अब फेरेडे ने यहाँ पर रिसर्च शुरू की फेरेडे ने यहाँ पर रिसर्च शुरू की ये सारा जो सिस्टम है ये कैसे काम करेगा फेरेडे ने ये देखा फेरेडे ने ये देखा कि जब आप इस तार को ऊपर करते हैं या फिर आप इसको नीचे करेंगे, जब आप इस तार को करेंगे या नीचे करेंगे तो ये निडल ना ऐसे ऐसे हिलती है ऊपर जाने पर अगर आपने तार को ऊपर किया और सपोज निडल राइट को गई तो जब आप नीचे करेंगे तो फिर निडल लेफ्ट को जाएगी वेन इट इज एट रेस्ट अगर आप इस तार को रोक लें तो नीडल हिलना बंद कर देगी क्योंकि जब आप कोई एनर्जी नहीं देंगे तो फिर एनर्जी उससे जनरेट भी नहीं होगी अब ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ आप इस तार को जितना तेज चलाएंगे उतना ज्यादा वोल्टेज बनेगा इसका मतलब ये है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो तार है इसका मतलब ये है कि इसका इसका कांसेप्ट ये है कि जो तार है उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से तार की वाइब्रेशन के हिसाब से एनर्जी अंदर जाएगी अगर आप तार को तेज मूव करेंगे ज्यादा एनर्जी देंगे तो आपको रिटर्न में ज्यादा करंट मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल ये इस चैप्टर का मेन मास्टर कॉन्सेप्ट है ये कॉपी होगा देखो वायर वायर मूव्स पैरेलल टू द फील्ड अगर तार ऐसे ना कटे बल्कि तार ऐसे मूव करे पैरेलल टू द फील्ड तो उसमें फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी मतलब जरूरी है सबसे जरूरी जरुर, चीज ये कि आप ये नोट कर लो कि ये जरूरी है कि वो जाकर तार को जो तार है ना जो कंडक्टर है वो फ्लक्स को काटे अगर नहीं काटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी चलो इसको भी कर दो

अब देखो आपको नजर आ रहा है ये वो सोलिनॉइड है देखो ये सोलिनोइड है और ये मैग्नेट है जब आप मैग्नेट को ये मैं दूसरे एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं example, ये भी बहुत आई है पेपर में तीन से चार मरतबा ये पेपर में आ चुकी है और मेरे पास एक लंबा सोलिनॉइड है और मेरे पास क्या है एक बार मैग्नेट है इधर एक मीटर लगा हुआ है मैं इसको दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूं ये <coughs> आपको नजर आ रहा है ये ये लंबा सोलिनॉइड है इसके साथ एक बार मैग्नेट है जब बार मैग्नेट को आप इस बार मैग्नेट को सोलिनॉइड के करीब लेकर आएंगे तो फ्लक्स कटेगा जब फ्लक्स कटेगा तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी फेरेडर ने ये डिस्कवर किया था गौर से देखिएगा फेरेड ने ये डिस्कवर किया था कि जब आप इस बार मैग्नेट को इस सोलिनॉइट के करीब लाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगी इस, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन तो आप सब लोग हेडिंग डालिएगा साइड हेडिंग डालिएगा एग्जाम्पल नंबर टू और उसमें ये कॉपी करिएगा ठीक है अब आपने अगर इसको समझ के कॉपी करा है तो ये आपका आज का अगला कॉन्सेप्ट बनेगा <clears throat> ठीक है अब आज का इस टॉपिक में ये पहला कॉन्सेप्ट बनेगा कि अगर आपके पास एक सोलिनॉइड है तो आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर है कैसे पता चलेगा कि ये सवाल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है इसका पता ऐसे चलता है कि आप ये देखो कि इस सर्किट में कोई पावर सोर्स लगी हुई नहीं है तो अगर इस सर्किट में कोई पावर सोर्स लगी हुई नहीं है अगर इस सर्किट में कोई पावर सोर्स लगी हुई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जाएगा मतलब ये करंट जनरेट करेगा आपको इसके कॉन्सेप्ट If we connect a solenoid containing a large number of coils to a sensitive ammeter, then as the indicator of the ammeter is not deflected, there is no source of voltage. We will now conduct an experiment. We slowly introduce a bar magnet into the center of the solenoid. When the magnet is finally at rest, in relation to the solenoid, we can observe the readings of the meter. The hand continues to indicate zero. Therefore, there is no flow of current. So, we need to question whether the assumption that a magnetic field induces a flow of current might be wrong. This time, let us try to move the magnet into the solenoid more quickly, while continually observing the indications of the ammeter. We can see that, as the magnet is being inserted, the hand of the meter is deflected. However, once the magnet is inside the solenoid, the hand again indicates zero. Let us now move the magnet quickly out of the solenoid. The hand again deflects, but this time in the opposite direction. After a while, it again reads zero. Let us sum up our observations. An electric current can be produced when a solenoid is placed in a variable magnetic field and the circuit is closed. If we connect a solenoid containing a large number of coils to a sensitive ammeter, then as the indicator of the ammeter is not deflected, there is no source of voltage. We will now conduct an experiment. We slowly introduce a bar magnet into the center of the solenoid. When the magnet is finally at rest, in relation to the solenoid, we can observe the readings of the meter. The hand continues to indicate zero. Therefore, there is no flow of current. So, we need to question whether the assumption that a magnetic field induces a flow of current might be wrong. This time, let us try to move the magnet into the solenoid more quickly, while continually observing the indications of the ammeter. We can see that, as the magnet is being inserted, the hand of the meter is deflected. However, once the magnet is inside the solenoid, the hand again indicates zero. Let us now move the magnet quickly out of the solenoid. The hand again deflects, but this time in the opposite direction. After a while, it again reads zero. Let us sum up our observations. An electric current can be produced when a solenoid is placed in a variable magnetic field and the circuit is closed. Let us now study the different ways of generating an induced current. We already know that it can be generated when we move a magnet into and out of a solenoid. Of course, we could equally well leave the magnet stationary and move the solenoid. Instead of a permanent magnet, we may also use a magnetic field which has been produced by another solenoid. We can bring the solenoids close together and then move them apart. A change in the magnetic field may also be induced by changing the current which is flowing in the solenoid. We can also break the circuit by switching the current on and off. Let us now study the different ways of generating an induced current. We already know that it can be generated. When we move a magnet into and out of a solenoid. Of course, we could equally well leave the magnet stationary and move the solenoid. Instead of a permanent magnet, we may also use a magnetic field which has been produced by another solenoid. We can bring the solenoids close together and then move them apart. A change in the magnetic field may also be induced by changing the current which is flowing in the solenoid. We can also break the circuit by switching the current on and off. Let us now study the different. अब आप लोगों ने दो एनिमेशन देखी चूंकि जरा ये मुश्किल टॉपिक है तो मैंने एनिमेशन को रिपीट किया था फॉर अंडरस्टैंडिंग ये एक मुश्किल टॉपिक है और इसमें देखिए अब यहां पर ये जो आप सर्किट देख रहे हैं देखो आप यहां जो स्क्रीन पे सर्किट देख रहे हैं आप उसको जरा गौर से देखिएगा यहां पर मेरे पास एक सोलिनोइड है और ये मैग्नेट है जिसकी मैंने अब फील्ड लाइंस भी विजिबल कर दी है ठीक है अब ये फील लाइंस यहाँ पर है और यहां पर मैंने एक लैंप लगाया हुआ ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो एक आपको मीटर नजर आएगा ऊपर जाएंगे तो आपको एक मीटर नजर आएगा ये वाला ये वाला मीटर नजर आएगा जिसकी निडल इधर भी आ सकती है इधर भी आ सकती है अब आप अगर इसको देखें तो जब मैं इस बार मैग्नेट को ऐसे मूव करूंगा ऐसे देखें जब मैं इसको मूव करता हूं तो आपको नजर आता है कि निडल इधर और उधर मूव कर रही है देखो जब आप इसको मूव करते हैं तो फ्लक्स कटेगा जब भी फ्लक्स कटेगा उससे ईएमएफ इंड्यूस होगी जब भी फ्लक्स कटेगा उससे फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी ये सिमुलेशन ये शो करती है कि आप जब फ्लक्स को काटेते हैं जब भी आप फ्लक्स को काटेंगे ईएमएफ इंड्यूस होगी देखो आपको नजर आ रहा है ये एक जनरेटर है देखो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एक बार मै एक वो है बार मैग्नेट है ये वाला देखें और उसके नीचे मैंने क्वाइल रखी हुई है एक क्वायल है अब मैं इसको ऐसे मूव करता हूं देखो ये अब और से देखना जब ये इसके करीब आता है तो फ्लक्स कटता है फ्लक्स के कटने से ईएमएफ इंड्यूस होती जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगी जब भी फ्लक्स कटेगा जब भी फ्लक्स कटेगा उसमें फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी देखो ये ये ईएमएफ आ रही है ठीक है अच्छा अब अगर मैं फेरेडे वाला एक्सपेरिमेंट अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूं तो ज्यादा ईएमएफ आ रही है फेरेडे ने नोट किया कि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उसमें आने वाली EMF उतनी ही ज्यादा होगी नंबर ऑफ टर्स कर दिए अब फ्लक्स और ज्यादा कट रहा है है और और वोल्टेज ज्यादा अगर आप अपने बार मैग्नेट को आहिस्ता लेकर आए तो कम करंट बना देखो कम करंट है ना और अगर आप इसको तेज लेकर आए ज्यादा मूव करें स्पीड से तो ज्यादा वोल्टेज बनेगा जितनी ज्यादा एनर्जी आपका इनपुट होगी उतना ज्यादा एनर्जी रिटर्न में मिलेगी ये फेरेडे की रिसर्च थी अब अगली रिसर्च जो थी अगली रिसर्च फेरेडी की यह थी कि अगर आप एक आयरन कोर ले लें आयरन का सिलेंडर और बार मैग्नेट उसके अंदर लेकर जाए और फिर उससे बाहर निकालें तब क्या होगा इसने डिस्कवर किया फेरेडर ने डिस्कवर किया कि अगर आप एक आयरन कोर अगर आप एक आयरन कोर इस्तेमाल कर लें तो फिर उससे ये होगा कि बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी आयरन कोर रखने से ये जो प्रोसेस है ये और ज्यादा रोबोस्टिक हो जाता है और ज्यादा ईएमएफ बनती है तो देखिए उसने ये डिस्कवर किया देखो उसने ये डिस्कवर किया ये बार मैग्नेट है और ये फील्ड लाइंस है फील्ड लाइंस इसमें कटेंगी और कटने की वजह से फील्ड लाइंस उसमें कटेंगी और कटने की वजह से फ्लक्स कटेगा और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी बार मैग्नेट मूव ई एम एफ इंड्यूसिस करंट इंड्यूस्ड और अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ ऑफ ई एम इंडक्शन ये सब कुछ फेरेडे लॉ के अकॉर्डिंग होगा आपने डायग्राम तो बना ली थी अब उसके बाद ये कॉपी करिएगा देखो बार मैग्नेट एट रेस्ट तो क्या आ रही है जीरो अगर बार मैग्नेट को फास्टर मूव करेंगे तो ज्यादा ई एम एफ बनेगी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल अगर बार मैग्नेट को रिवर्स करेंगे तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन यहां पर लेस ई एम एफ है और यहां पर मोर ई एम एफ है अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी देखो अब ये नोट करो ये वाला कॉन्सेप्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ई एम एफ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है नंबर वन रेट स्पीड ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितनी तेजी से फ्लक्स कटेगा जितनी तेजी से फ्लक्स कटेगा जितनी तेजी से फ्लक्स कटेगा उसमें ई एम एफ इंड्यूस होगी नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इंड्यूस उतनी ज्यादा होगी सॉफ्ट आयरन कोर सॉफ्ट आयरन कोर में क्या है सॉफ्ट आयरन कोर में इससे वो एनहांस हो जाएगा बढ़ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट यूज जितना स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा उससे उतनी ज्यादा वोल्टेज बनेगा अब ये वाली स्क्रीन भी कॉपी होगी चलो अब एक एमसी क्यू में रख रहा हूं वो आप मेरे साथ अटेम्प्ट करिएगा अ मैग्नेट इज प्लेस नियर टू अ अ दैट इज कनेक्टेड टू सेंसिटिव सेंटर एम मीटर अब ये उस पर एक दूसिटिव है पहले तुम क्वेश्चन पूरा पढ़ो द मैग्नेट इज पुश टूवर्ड्स द इट सोलिनट्स शुरू में पहले वो एक्सेलरेट करता है देन मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है

ठीक है अब आपने इसको पढ़ लिया अब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं वट इज द रीडिंग ऑन द एम मीटर सॉरी वेन इज द रीडिंग ऑन द एम मीटर जीरो अब आप इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि रीडिंग जीरो कब होगी आंसर निकाल के मुझे बताओ व्हाट्सएप पे सॉरी उस पर चैट पे बता दो व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं बाकी लोग भी अपना आंसर शेयर करो इसका आंसर है डी इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो डी इसका आंसर है डी डी क्यों होगा व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी है जब रुक जाएगा जब तो फ्लक्स ही नहीं कटेगा जब मैग्नेट रुक जाएगा तो फ्लक्स कटेगा ही नहीं जो फ्लक्स है वो नहीं कटेगा इसलिए फिर एम इंड्यूस नहीं होगी अब दूसरा क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है आप पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो अब एमसीक्यू है तो आप लोग खुद ट्राई करके दो आंसर निकाल कर दें <coughs> Abu hai, a teacher moves a magnet into and out of a coil of wire as shown in the order to demonstrate electromagnetic induction, the option as the magnet is moved into the coil and left hand and left hand of the coil becomes a South Pole, Achha, wo hai, increasing the sorry, the, if the magnet is taken off the coil, the left hand end of the coil becomes a North Pole, increasing the speed rate with the magnet enters the coil increases the induced voltage. तो अगर वो अंदर लेकर जाएगा तो अगर वो स्पीड से लेकर जाएगा तो ज्यादा वोल्टेज बनेगा और अगर वो स्पीड बढ़ाएगा तो लीव uh, अब इसमें क्या आंसर होगा आंसर सी क्या गुड सी सी गुड क्योंकि जितना तेज मैग्नेट को लेकर जाएंगे इंड्यूस ईएमएफ उतनी ज्यादा होगी चलो एग्जांपल नंबर थ्री एक सोलिनवाइड है ऐसे उसके नीचे एक लैंप लगा हुआ है और सामने एक बार मैग्नेट है जिस पर आपको नजर आ रहा है कि ये बार मैग्नेट ऐसे जैसे आजकल की वो चेयर्स होती है ना स्टूल होते हैं जो रोटेट कर सकते हैं उस तरह का एक ये है स्टूल पे रखा हुआ है जो कि रोटेट कर सकता है ऐसे ये स्पिन करेगा और स्पिन करने से ये जो फ्लक्स है वो इसके अंदर कटेगा जब फ्लक्स इसमें कटेगा तो फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और उससे फिर करंट जनरेट होगा चलो अब ये वाली एग्जाम्पल नंबर थ्री कॉपी करो सब लोगों की वाली डायग्राम बनाइएगा <coughs> चलो अब उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी करो ठीक है अब ये जो आपने कॉपी किया इसका क्या मतलब है स्पिनिंग बार मैग्नेट जब एक बार मैग्नेट स्पिन करता है तो फ्लक्स कटेगा फ्लक्स कटेगा तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होगी और उससे फिर लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगा ऑब्जर्वेशन क्या है अगर आप इसको घुमाते रहे ना तो लैम्प फ्लिकर करेगा लैम्प फ्लिकर क्यों करेगा क्योंकि ये बार मैग्नेट जब घूमेगा तो पहले नॉर्थ सामने आएगा फिर साउथ सामने आएगा फिर नॉर्थ सामने आएगा फिर साउथ सामने आएगा तो ये बार बार ना फ्लिप होते रहेंगे तो लैम्प फ्लिकर करता रहेगा तो ये इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप ऑब्जर्वेशंस में ये कॉपी करिएगा चलो नंबर टू बार मैग्नेट इज स्टॉप्ड लैंप गोज ऑफ अगर आप बार मैग्नेट को रोक लें अगर आप बार मैग्नेट को रोक लें तो फिर लैंप बंद बुझ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इसका मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर ये बार मैग्नेट स्पिन करेगा उसी फ्रीक्वेंसी का करंट भी जनरेट होगा अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी ठीक है फिर आज का काम हम यहीं तक रखते हैं जो आखिरी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूं बस देखो ये पेपर में सवाल ऐसे आया ना ये बार मैग्नेट ऊपर स्पिन कर रहा है जब ये स्पिन करेगा तो नीचे फ्लक्स कटेगा जब नीचे फ्लक्स कटेगा तो उससे फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो उससे फिर लैंप फ्लिकर करेगा तो हम आज का काम यहीं तक रोकते हैं और इसको इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे الله حافظ جيب.